और इस ब्रिक्स समिट में जब मोदी और जिनपिंग मिलेंगे तो आखिरकार क्या होगा वो आपको बताते हैं। कजान ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, शामिल होंगे क्योंकि वो वहां पर। कजान ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। अब दोनों ही देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तो मुलाकात संभवतः हो सकती है। भारत चीन ने LAC पर तनाव कम करने का ऐलान किया है। अब यही वजह है कि अगर दोनों की मुलाकात होती तो इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले तनाव कम करने पर सहमति भी बन गई है और मान लिया गया है दोनों देशों के द्वारा कि उस सीमा से दोनों ही देश अपनी जो आर्मी है उसे पीछे करेगी। मई 2020 की अगर हम बात करें तो गलवान झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हुआ था और इसे सुलझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। 2020 के बाद मोदी जिनपिंग में द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है और अगर ऐसे में इतने सालों के बाद यानी लगभग 4 साल बाद ये बैठक होती है तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है चीन, ये भी बड़ी जानकारी है इससे रिलेटेड। मोदी से मिलकर के रिश्ते सुधारने का संकेत जिनपिंग दे सकते हैं। जो तनातनी वाली स्थिति है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है इस मुलाकात के बाद। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कजान में कुछ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। अब इसमें चीन से मुलाकात को लेकर के कोई साफ जवाब हालांकि अभी तक नहीं दिया गया है कि चीन से द्विपक्षीय वार्ता होगी या नहीं होगी। फिर भी ये माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले वक्त के लिहाज से। अब ये तीन तस्वीरें देखिए जो कजान में ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको लेकर के खास तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो गए हैं और 1 बजे के लगभग वो वहां पर पहुंच जाएंगे। संशय बरकरार है कि जिनपिंग और मोदी की ये मुलाकात होगी या नहीं होगी क्योंकि अभी तक इसे लेकर के ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते में सुधार आ रहा है और LAC को लेकर के जो बातचीत हुई है उसके बाद दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो मुलाकात है वो हो सकती है। तो ये तीन तस्वीरें हमने आपको दिखाई कजान में ब्रिक्स समिट और दुनिया की नजरें हैं, जिनपिंग मोदी मिलेंगे ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी की गई, यानी कि वहां पर खास तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर की गई। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कजान में ब्रिक्स समिट। लेकिन अब आपको आगे हम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी देने वाले हैं कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों है खास। देखिए, दुनिया की महामुलाकात अगर इसकी बात करें तो मोदी पुतिन जिनपिंग की अलग अलग बैठक संभव मानी जा रही है। मोदी के साथ बैठक व्लादिमीर पुतिन करेंगे, एक तो ये पॉइंट। जिनपिंग के साथ भी बैठक पुतिन करेंगे, पुतिन की मुलाकात दोनों से, प्रधानमंत्री मोदी से भी, जिनपिंग से भी से। और इसके अलावा दोनों नेताओं से अलग अलग निजी मुलाकात यहां पर संभव मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की पुष्टि फिलहाल कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर के भी बातचीत संभव मानी जा रही है, बातचीत हो सकती है कई मोर्चों पर, कई मुद्दों को लेकर। पुतिन की निजी मुलाकात को भी काफी इंपॉर्टेंट अहम माना जा रहा है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर है। पुतिन की निजी मुलाकात को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हो सकती है शी जिनपिंग से, और ऐसे में अब एजेंडा क्या है वो आपको मीनाक्षी भी बताएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि कोई भी समिट जब होता है तो वो एजेंडे के साथ होता है कि आने वाले वक्त में आखिरकार ये देश किस तरीके से और आगे विकासशील से विकसित बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो पहला एजेंडा क्या है वो है वैश्विक विकास और सुरक्षा का मुद्दा, इसे लेकर के यहाँ बातचीत होगी। डॉलर पर निर्भरता कम करना ये भी बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, ये तीसरा पॉइंट, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके से दुनिया भर में जलवायु की गुणवत्ता गिरते जा रही है उसे ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। चौथा क्या है, अनाज के ट्रेडिंग एक्सचेंज का निर्माण, इसके बारे में भी बात होगी। ब्रिक्स के साझेदार देशों के लिए फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जाएगा क्योंकि इन सभी देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती और आने वाले वक्त में अगर लेन-देन करना है, आयात निर्यात करना है तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसे लेकर के भी यहां बातचीत होगी। तो ये पूरे एजेंडे है जिसे लेकर के 2 दिन तक चलने वाली ये जो मुलाकात है, ये जो समिट है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस ब्रिक्स समिट में क्या कुछ होने वाला है और ये क्यों इतना अहम माना जा रहा है। इन सभी देशों की अगर हम आबादी की बात करें तो 45% इन सभी देशों की आबादी है, लगभग 3.5 अरब लोग इन्हीं देशों में रहते हैं। अब व्यापार में इन देशों की भागीदारी क्या है, वर्ल्ड वाइड 40%। अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देते हैं ये देश, वर्ल्ड वाइड 26% योगदान देते हैं। GDP अच्छी खासी है, 26% है।
तेल उत्पादन और निर्यात में 40% साझेदारी इन देशों के द्वारा दिखाई जाती है और यही वजह है कि ब्रिक्स अहम हो जाता है ताकि आपसी सामंजस्य यहाँ पर बढ़े और आने वाले वक्त में अन्य यूरोपीय देशों पर जो निर्भरता है उसे कम किया जा सके। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब ये ब्रिक्स समिट हो रहा है तो क्या कुछ नए देशों को भी शामिल किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी क्योंकि एशिया के तमाम देशों को पिछले बार 2023 इसमें शामिल किया गया था। महिमा करुक करते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, हरी झंडी दी गई इसराइल को कि वो ईरान पर अटैक कर सके। और आपको ये भी बता दें कि अब ईरान को डर सता रहा है, ईरान को डर लग रहा है और ईरान का ये कहना है कि जो भी तबाही होगी यानी कि महातबाही जो भी होगी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार होगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बाइडेन के रुख से डरा ईरान, ईरान को सता रहा हमले का डर। महातबाही के खौफ से डरे खामने, इसराइल पर मिसाइल अटैक के बाद नेतन्याहू और अमेरिका के रुख से ईरान डर गया है। ईरान को यह डर सता रहा है कि इसराइल अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर हमले के फाइनल प्लान को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद इसराइल अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल देगा। ईरान का यह डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह की टिप्पणी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर की है उसे देखते हुए ईरान का डर वाजिब लगता है। लिहाजा ईरान ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखकर मिडिल ईस्ट में जंग भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर हमले के लिए मंजूरी के संकेत दिए हैं। अमेरिका इसराइल को ईरान के खिलाफ उकसाने भड़काने में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार होगा, साथ ही अमेरिका क्षेत्र में विनाशकारी परिणामों के लिए भी जिम्मेदार होगा। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र को हमले की आशंका को लेकर आगाह करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के पिछले हफ्ते जर्मनी में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था उन्हें यह समझ आ गया है कि इसराइल ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के जवाब में कब और कैसे कार्रवाई करेगा। हालांकि बाइडेन ने ईरान पर इसराइल के किसी हमले को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा अमेरिका इसराइल की तरफ से ईरान के लिए किसी भी परमाणु या तेल स्थलों को लक्ष्य बनाने के खिलाफ है। बावजूद इसके अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए जिस तरह से थर्ड एयर डिफेंस बैटरी भेजी है वो इसराइल के प्रति ईरान के आक्रामक रुख को कमजोर करने के लिए माना जा रहा है। जाहिर है यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य मदद को ईरान अपने लिए खतरा मान रहा है।